ग्रीटिंग्स टू ऑल। आज आपसे बात करूंगी इनोसेंस के बारे में, यानी मासूमियत। मासूमियत दो जगह बहुत ज़्यादा मिलती है, एक तो बचपने में और एक बुजुर्गियत में। जब हम छोटे बच्चे होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा ट्रेन में, बसों में, रोड पे, किसी पार्टी में, छोटा बच्चा जो माँ की गोद में है या छोटा बच्चा जिसने अभी भी चलना सीखा है, किसी भी अनजान का हाथ पकड़ लेता है, किसी के पास आके खड़ा हो जाता है, मुस्कुरा देता है, आपके रिस्पॉन्स पे हमेशा उसकी एक मुस्कुराहट आती है। ऐसे ही बुजुर्गों के साथ भी होता है। कोई भी अनजान बुजुर्ग हो, यदि आप उसकी तरफ देख के मुस्कुराएंगे तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स देगा, मुस्कुरा देगा, आशीर्वाद दे देगा। यानी दो ऐसे लोग जो जजमेंटल नहीं होते हैं। ये जो बीच का पड़ाव है उम्र का, जहाँ पर हम बचपने से आगे निकलते हैं और धीरे धीरे बुजुर्गियत की तरफ बढ़ रहे होते हैं, ये बड़ा मुश्किल दौर होता है, क्योंकि इसमें हम अपने हाथ में एक तराजू या पैमाना लेकर चलते हैं। हम हमेशा चीज़ों को तौलते रहते हैं। हम हमेशा अच्छा बुरा, सही गलत, बड़ा छोटा, धर्म जाति, अपना पराया, इसमें पड़े रहते हैं। हम आगे बढ़ने की रेस में लगे होते हैं तो अपनी मासूमियत को कहीं पर ताक पे धर देते हैं, और उसी का नतीजा होता है फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और एक तरह का अकेलापन, क्योंकि हम हर समय जजमेंटल होते हैं। जो लोग भी इनोसेंट हैं वो जज नहीं कर रहे होते हैं। बच्चे कभी किसी को जज नहीं कर रहे होते। किसी ने कैसे भी कपड़े पहने हो, कोई कितना भी अमीर हो, गरीब हो, जात हो, धर्म हो, कुछ भी हो, बच्चे उसकी बस मुस्कुराहट का जवाब देते हैं। बुजुर्ग भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन हम जो बीच के पड़ाव पे हैं, वो अपने लिए खुद ही परेशानियाँ खड़ी करते हैं। क्यों? क्योंकि हम मासूम नहीं रहते। हम ज़्यादा सतर्क, ज़्यादा सावधान और ज़्यादा सोचने वाले होते हैं, ये मान के कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। बहुत सारी आकांक्षाओं, बहुत सारी अपेक्षाओं से घिरे रहते हैं, और जब ये सब नहीं होता तभी हम रिलैक्स होते हैं। तो इसलिए अपनी इनोसेंस, अपनी मासूमियत को कहीं ना कहीं बरकरार रखिए। मत हो जाइए जजमेंटल ऑल द टाइम, एवरीवेयर। टेक केयर।